दोस्तों, क्या आपको पता है भारत सरकार के कैंपेन देखो अपना देश के अभियान के रूप में सरकार ने एक वर्ष में 15 डोमेस्टिक और लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाने वाले लोगों के लिए यात्रा करने और गवर्नमेंट वेबसाइट पर फोटो अपलोड करके विनर डिसाइड करने का प्लान किया है। तो दोस्तों, जब तक आप इसके ऊपर और रिसर्च करते हैं, आज हम आपको बताएंगे इन 15 में से 10 डेस्टिनेशंस जो आप घूम सकते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल ट्रिप एक्सट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। नंबर 10, आगरा। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल आगरा आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में किले और फतेहपुर सीकरी के रूप में अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के साथ एक झलक है। इतिहास, वास्तुकला, रोमांस सभी एक साथ आगरा का जादू रचते हैं और इसीलिए भारत में रहने वाले या अन्य किसी भी व्यक्ति को यहाँ अवश्य जाना चाहिए। नंबर 9, ऋषिकेश। गंगा नदी के साथ हिमालय फुटहिल्स में स्थित ऋषिकेश अपनी साहसिक गतिविधियों, प्राचीन मंदिरों, लोकप्रिय कैफे और योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के लिए जाना जाता है। व्हाइट वाटर राफ्टिंग के बढ़ने और विभिन्न प्रकार के कैंपिंग और कैफे स्पॉट्स के साथ ऋषिकेश विभिन्न आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह के रूप में विकसित हो गया है। वर्षों से ये शहर दुनिया में स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में बेहद लोकप्रिय हो रहा है। दोस्तों, नंबर 8 पर है मनाली। पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस के बर्फ से ढकी ढलानों के बीच बसा मनाली देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है। मन मुक्त कर देने वाले दृश्यों के साथ हरे भरे जंगल, फूलों के साथ बिछी घास के मैदान, नीले झरने, पाइन्स की ताजगी भर देने वाली एक निरंतर खुशबू, मनाली ऐसे ही असाधारण सुंदर सौंदर्य से भरपूर है। म्यूजियम से लेकर मंदिरों तक, छोटे हिप्पे गांव से लेकर लंबी बड़ी सड़कों तक, नदी के रोमांच से लेकर ट्रैकिंग ट्रेल्स तक मनाली में पूरे साल टूरिस्ट को लुभाने के कई कारण हैं। नंबर 7, शिलोंग। देवदार के पेड़ों से घिरा एक सुंदर शहर शिलोंग मेघालय की राजधानी है। इसका नाम ले शिलोंग से लिया गया है, जो शिलोंग पीक में स्थापित एक मूर्ति है। 1496 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिलोंग देश भर में गर्मी से राहत प्रदान करता है। ये हिल स्टेशन अपने सुरम्य स्थलों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का अच्छा क्लाइमेट शिलोंग को सभी मौसमों में जाने के लिए परफेक्ट बनाता है। हल्की बूंदाबांदी और शीतल कोमल हवा इस हिल स्टेशन पर जाने की खुशी में इजाफा करती है। इस स्टेशन को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। नंबर 6, जयपुर। जयपुर पुराने और नए का जीवन संगम है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के शाही राज्य की राजधानी जयपुर पर कई शताब्दियों तक राजपूत राज्यों द्वारा शासन किया गया और इसे 17वीं शताब्दी में एक प्लैंड सिटी के रूप में विकसित किया गया। दिल्ली और आगरा के साथ जयपुर गोल्डन ट्रायंगल बनाता है, जो देश के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट सर्किट्स में से एक है। इस पुराने शहर की दीवारें और दरवाजे सुंदर गुलाबी रंग और चित्रों से सजाए गए हैं। ये पिंक सिटी अभी भी टूरिस्ट को अपने चार्म से आकर्षित करने में सफल है। नंबर 5, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हिमालय के बीच स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर्स जैसे रेयर जानवरों सहित विभिन्न प्रकार के पेड़ और फूलों का घर है और ये जगह वाइल्ड लाइफ लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए बेस्ट है। भारत में सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और ये रॉयल बंगाल टाइगर की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। ये पहला स्थान था जहां 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। ये उत्तराखंड में स्थित है और रामगंगा नदी के किनारे पर है। ये फ्लोरा फौना की 480 से अधिक प्रजातियों का घर है। नंबर 4, जैसलमेर। जैसलमेर भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे गोल्डन ड्यून्स और महल के कारण गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर झीलों, मंदिरों और हवेलियों से भरा हुआ है। ऊंट की सवारी के साथ इस सुनहरी भूमि में रात के आसमान के नीचे एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस करें। जैसलमेर किले में अभी भी पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। नंबर 3, गोवा। वेस्ट कोस्ट पर स्थित गोवा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, जो अपने शानदार समुद्र तटों, शानदार भोजन और पोर्चुगल विरासत के लिए जाना जाता है। पंजिम सेंट्रल में स्थित राजधानी शहर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और गोवा के उत्तर से दक्षिण भाग तक चलने वाली सड़कों और ट्रेनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
100 किलोमीटर से अधिक के समुद्र तट के साथ गोवा में कई समुद्र तट हैं जो लाखों टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। बागा और कैलंगट बीच इंडियन टूरिस्ट के बीच अधिक लोकप्रिय हैं, वहीं अंजना और आरंबोल बहुत सारे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नंबर 2, मुन्नार। सुरमय हिल स्टेशन मुन्नार, जो अपने टी एस्टेट्स, हरियाली और पीक्स के लिए प्रसिद्ध है, केरल राज्य में पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण टी एस्टेट्स के कमर्शियल सेंटर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा मुन्नार में कई प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो नीलगिरी थार और नीलकुरिंजी जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज का घर है। दक्षिण भारत के सबसे बड़े चाय बागान क्षेत्र में से एक मुन्नार केरल के सबसे सुंदर और लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। और दोस्तों, नंबर 1 पर है लेह लद्दाख। लद्दाख वास्तव में पृथ्वी पर एक स्वर्ग है और अद्भुत परिदृश्य, अद्भुत लोगों और संस्कृति देखने के लिए इसके अलावा कोई और जगह नहीं है। दुनिया की 2 सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखलाओं महान हिमालय और कराकोरम से घिरा ये लद्दाख श्रेणी और जंस्कार श्रेणी में स्थित है। लद्दाख उन सभी क्षेत्रों में भरा हुआ है जो प्रकृति, भूगोल, विज्ञान से लेकर मामूली संस्कृतियों को कवर करता है, जो इसे बढ़ावा देती हैं। घूम से लेकर टेस्टी मोमोज देखने के लिए कई आकर्षक स्थल इस शहर को धरती पर स्वर्ग बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ बहुत ही सुंदर जगहें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट में जरूर बताएं क्या आप गवर्नमेंट की इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे। और दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।